अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो कुक विद हिजाब में आज मैं एक नई रेसिपी के साथ, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो कोरमा मसाला है। कोरमा मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आए आपको कोरमा मसाला बनाना सिखाती हूँ और इसमें जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जो पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस ऐड हो गए वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो ये देगी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, टेस्ट भी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। ये लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, और ये 1 टेबल स्पून जो है पाउडर है धनिया। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप साबुत धनिया लेके तो उसको भी पीस सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक है, जीरा पाउडर 2 टेबल स्पून ले लेना है, और 2 ये तेजपात के पत्ते ले लेने हैं आपने। दालचीनी थोड़ी सी ले ली है, 1 टेबल स्पून आपने ऐड करनी है पाउडर फॉर्म में, और 1 टेबल स्पून आपने मोटी इलायची, जो बड़ी इलायची होती है काली, वो आपने 1 टेबल स्पून ऐड करनी है। सौंफ ले लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी हमने पाउडर बना लेना है। बादियान के फूल ले लिए हैं, ये भी 1 टेबल स्पून पाउडर ऐड होगा। 1/2 टेबल स्पून सब्ज इलायची का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लौंग का पाउडर, ये भी हम पाउडर बना लेंगे। और ये पाउडर फॉर्म में मेरे पास मौजूद था, ये जायफल जावत्री का पाउडर है, ये ऐड करूंगी मैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जीरा और सौंफ को भून लेते हैं। ये 15 अदद साबुत इलायची और साबुत लौंग है, ये मैंने साबुत ही उसके अंदर जब मसाला तैयार कर लेंगे तो एंड पे हम 15 अदद लौंग और 15 अदद सब्ज इलायची उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये साबुत ही आपने डालनी है, इसको पीसना नहीं है। जीरे को हम भून लेते हैं, सौंफ को भी भून लेते हैं, हल्का सा भून लेना है और फिर इसको मैं पीस लूंगी। हल्की आंच पे इसको भूनना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना। तो ये मैंने भून लिया इसको। अंदर आप मसाला पीसते हैं, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो इसके अंदर जाएगी सब्ज इलायची और लौंग जो मैंने रखे थे, काली इलायची, और साथ में ये दालचीनी है, ये जाएगी इसके अंदर, बादियान के फूल। तो अब मैं इसको पीस लूंगी। मैंने मसाले को पीस लिया है, ये इसके अंदर डाल दूंगी। अब ये बाकी जो है लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साथ में अदरक लहसुन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, इन सब को मैं मिक्स कर लूंगी। साथ में जायफल जावत्री का पाउडर ये ऐड कर दूंगी। अब इसको करते हैं हम मिक्स। अब इसके अंदर ये साबुत इलायची और लौंग साबुत मैंने डाल दिए हैं। तेज बात को हम इस तरह मैच करके थोड़ा सा हाथ से तो इसके अंदर ऐड कर दें। मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको एक जार में भरूंगी। अभी फिर वक्त मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। टाइट ढक्कन वाला जार लेके आपने उसके अंदर इसको भर लेना है। ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। आप जब भी कोई चीज़ बनाए तो उसके अंदर 1 किलो के अंदर आपने 2 टेबल स्पून ऐड करना है, क्योंकि ये घर का बना हुआ कोरमा मसाला है, ये अच्छा साफ सुथरी चीज़ों से बना होता है, इसमें कोई चीज़ कोई मिलावट नहीं होती, तो इसलिए ये कम डलते हैं। जो बाज़ार के मसाले होते हैं वो तो पूरे पूरे पैकेट डाल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। जी हमारा कोरमा मसाला रेडी हो गया है, आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। कुक विद हिजाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।